रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर, अज्ञात महिला का शव मिला। प्रथम दृष्टया यह पता चला कि महिला की उम्र लगभग 18 से 20 साल है। पूरा मामला कालपी के ग्राम उसरगांव गौशाला से लगभग 600 मीटर दूर का है। मौके पर क्षेत्राधिकारी कालपी डॉक्टर देवेंद्र पचौरी, कालपी कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक, ज्ञान भारती चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसरगांव ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौके पर मौजूद, साथ में पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन समेत सैकड़ों की तादाद पर ग्रामीण उपस्थित। देखिए जालौन मेट्रो संवाददाता प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जालौन मेट्रो से तहसील संवाददाता प्रशांत शुक्ला। आज हम आए हुए हैं कालपी कोतवाली के ग्राम उसरगांव। हम आपको बता दें, पूरा मामला जुड़ा हुआ है एक अज्ञात शव से, डेड बॉडी से, जो कि बताई जा रही है, अनुमानित ऐसा लगाया जा रहा है कि दो दिन पूर्व से यहाँ पे जो नज़दीकी गौशाला है उसरगांव की, उससे 600 मीटर दूर लगभग ठीक पीछे खेत पे मिली है। और यहाँ पे मौके पर क्षेत्राधिकारी कालपी डॉक्टर देवेंद्र पचौरी, कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक, ज्ञान भारती चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह व यहाँ के पूर्व विधायक जो कि उसरगांव से ही बिलोंग करते हैं नरेंद्र सिंह जादौन मौके पर उपस्थित है। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण हैं। क्या है तक पूरा मामला? यहाँ ग्राम उसरगांव में एक विवाहिता महिला का, देखने में विवाहिता महिला लग रही है, उसका शव मिला है। इस महिला की जो शिनाख्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसके जो घर वाले हैं उनकी भी पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको तलाश कर रहे हैं। अभी सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई जो भी हम कर रहे हैं। सर, लगभग कितने दिनों पुरानी लग रही है? ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार पता चलेगा, लेकिन हमारी जो वैधानिक कार्रवाई वो जारी है। पुलिस को ये सूचना कब मिली? आज अभी मिली, कुछ देर पहले, करीब एक दो घंटे पहले मिली। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तत्काल हम लोग यहाँ मौके पहुंचे। सर, इसके पास से मौके से प्रथम दृष्टया क्या क्या मिला आपको? मतलब जो भी सामान है वो फील्ड यूनिट ने कब्जे में लेकर भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए और उसमें वैधानिक कार्रवाई की है। जी जी। भैया, आपका नाम? मूलचंद्र जी। आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं उसर गांव से? जी हाँ। मूलचंद नाम है आपका? जी हाँ जी। जी, क्या मसला हुआ है? आज ये दिन मंगलवार है, क्या ये पुलिस आई हुई है आपकी गौशाला के पीछे बगीचा में? क्या है पूरा मामला? गौशाला से लगभग 600 मीटर दूर, मतलब ये जानकारी हमको हुई, हमने पुलिस को सूचना दी। आपने दी? हाँ, मतलब ऐसा ऐसा मैटर है, यहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। जी। तो सीओ साहब भी हैं, कोतवाल साहब भी हैं, इंचार्ज साहब भी हैं। जी। सब लोगों ने निरीक्षण किया है, देखा है। तो आपने प्रथम दृष्टया वो डेड बॉडी देखी थी जाके? हाँ, मौके पे। क्या लगा आपको अनुमान से, क्या है, लड़के की है, लड़की की है, क्या? ये पता नहीं लग पा रहा है, मतलब इसको दो तीन दिन हो गए हैं क्या? नहीं, ये लगभग परसों का मैटर है, रात का। कल बरेदी वगैरह ने देखा होगा, डर की वजह से उन्होंने नहीं बताया, सुबह बताया। अच्छा, बरेदियों ने कल देख लिया, लेकिन डर की वजह से नहीं बताया। शाम को देखा है, जानवर यहाँ चराने आए होंगे। जी। तो अभी ये मौके पे पुलिस आई हुई है, जांच कर रही है। जी हाँ। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।